हेलो फूडीज, वेलकम टू नेल्स किचन। आज हम बनाएंगे ऑल इन वन ग्रीन चटनी। इस चटनी को आप खाने के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर कोई भी फरसान के साथ सर्व कर सकते हैं। इससे बनने वाले पूरी पराठे बहुत अच्छे लगते हैं और ख़ास बात इसमें से पानी पूरी का पानी बहुत अच्छा बनता है। तो हम हमारी आने वाली नई वीडियो में शेयर करेंगे कि इससे पानी पूरी का पानी कैसे बनता है। तो अभी हम बना लेते हैं चटनी। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे ये 2 कप धनिया और आधा कप फुदीना। विंटर की सीजन है और धनिया फुदीना बहुत अच्छा मिलता है। साथ ही हम यहाँ पे ले रहे हैं नींबू, अदरक, मिर्ची, करी पत्ता, जीरा, नमक और हींग। हम इसे पीसते हुए इसकी चटनी बना लेंगे और इसमें हम पानी की जगह पे डालेंगे बर्फ। बर्फ के टुकड़ों से चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, तो हम इसमें बर्फ के टुकड़े यूज़ करेंगे, पानी यूज़ नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे एक एक करके मिक्सी में सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। हरी मिर्ची आप अपनी पसंद से लीजिए, अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं, और अदरक भी आप अपनी पसंद से डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज़ का टुकड़ा लिया है। अब इसमें हम डाल रहे हैं जीरा, ये मैंने 1.5 चम्मच लिया है और ये भुना हुआ जीरा है। और अब हम इसमें डालेंगे हींग। चटनी में हींग डालना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है चटनी को। अब डालेंगे हम नमक। नमक भी आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिए, यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लिया है। और अब हम इसमें डाल देंगे नींबू। चटनी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने पूरे 2 नींबू लिए हैं और इसके रस मैं इसमें डाल दूंगी। अब हम इसमें डालते हैं धनिया। यहाँ पे हम इसमें आधा धनिया डाल देंगे और आधा धनिया हम बाद में डालेंगे। धनिया को मैंने पहले अच्छे से धो लिया है और फिर इसे अच्छे से ड्राई हो जाने के बाद हमने इसे चॉप करके यूज़ किया है। इसमें हमने बर्फ डाल दी है और अब हम इसे मिक्सी में पीस लेंगे। ये देखिए आधी चटनी पीस गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं बाकी का धनिया। धनिया को धो करके ही यूज़ करें। और अब हम इसे फिर से पीस लेते हैं और चटनी बना लेंगे। ये देखिए हमारी चटनी पीस के तैयार हो गई है। आप इसे फ्रीज में 10 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, पर आपको इसे डीप फ्रीज में ही रखना होगा। तो चटनी वैसी की वैसी रहेगी और इसका कलर भी वैसा का वैसा रहता है। इस चटनी से आप मसाला राइस भी बना सकते हैं, ग्रीन वाले चटनी राइस, चटनी पोहा भी बना सकते हैं। और आगे हम हमारी नई वीडियो में सिखाएंगे कि इसे पानी पूरी का पानी हम कैसे बनाएंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बहुत ही फ्लेवरफुल पानी पूरी के पानी, वो भी 5 तरीके के, और इसी चटनी को यूज़ करते हुए, तो देखना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।